Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. Good morning all of you. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6 पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के अंदर कुछ जो टॉपिक है आपके इम्पोर्टेंट, शेप, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है आपका और एक आपका कॉनकेव पॉलीगॉन. तो सबसे पहले अपन जो ये टॉपिक है इनके बारे में जैसे समझेंगे और फिर जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1 उसको स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले अपन शेप की बात करते हैं. जो शेप है वो क्या होती है, आपकी जो पॉलीगॉन जो शेप वो किस प्रकार से बनेंगे, यानी जो ये वन साइड है ये टू साइड है, यानी टू साइड से आपकी कोई भी शेप नहीं बनती है. कम से कम आपको कोई भी जो शेप बनानी है आपको तो उसके लिए कितनी साइड चाहिए आपको, थ्री साइड, वन टू थ्री साइड, यानी आपके थ्री या थ्री से ज्यादा, यानी जो आपकी साइड है उससे क्या बनेगा आपका पॉलीगॉन बनेगा. यानी दीज क्लॉट शेप आर मेड ऑफ मेनी साइड. ए क्लॉट शेप मेड अप ऑफ थ्री और मोर देन थ्री साइड इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन. यानी थ्री या थ्री से ज्यादा आपकी जो साइड मिलकर जो डायग्राम बनाती है वो होगा आपका पॉलीगॉन. तो आपकी जो शेप है वो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले अपन बात करते हैं. ट्राइंगल, यानी ए शेप मेड ऑफ थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट आपकी ए शेप मेड ऑफ फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट आपकी ए शेप मेड ऑफ फाइव साइड इज कॉल्ड पेंटागॉन. नेक्स्ट आपकी ए शेप मेड ऑफ सिक्स साइड इज कॉल्ड हेक्सागॉन. A shape made of seven side is called heptagon. और अपनी जो लास्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी ए शेप मेड ऑफ एट साइड इज कॉल्ड ऑक्टागॉन. तो ये थी आपकी शेप जो आपको जो आपकी एक्सरसाइज उसके अंदर आपको यूज होने वाली है, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी जो सिक्स शेप आपकी वो इसके अंदर आपकी यूज होगी. तो इसके जो नेम आपको, यानी थ्री साइड जो है जो डायग्राम है जो आपका थ्री साइड से मिलकर बनता है वो आपका ट्राइंगल, फोर साइड से मिलकर बनता है वो आपका क्वाड्रिलेटरल, और फाइव साइड से मिलकर बनता है वो आपका पेंटागॉन, सिक्स से होगा आपका हेक्सागॉन, और सेवन से आपका हेप्टागॉन, और एट जो साइड उसके अंदर होगा आपका ऑक्टागॉन. तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करना है, जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है. तो जो सभी जो डायग्राम बनाए उसमें आपकी क्या है, थ्री और मोर देन थ्री साइड, यानी थ्री से कम कोई साइड नहीं आपकी, टू साइड से मिलके आपको कोई डायग्राम नहीं बनता है, यानी आप किसी भी प्रकार से इनको आप टू से आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते. थ्री साइड आपकी कम से कम होनी चाहिए, थ्री से आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, इस प्रकार से भी बना सकते हो, या आप इस प्रकार से बना सकते हो, किसी भी प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन जो आपकी है मिनिमम आपकी होनी चाहिए थ्री साइड. तो ये तो हो गया आपका शेप के बारे में.
अब बात करते हैं अपन डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। डायगोनल्स का जो होती है वो किस प्रकार से यूज होती है, जो डायग्राम दिया गया उसके अंदर अगर जो डायगोनल्स का अगर यूज करना है तो डायगोनल्स जो यूज होगी वो कैसी होगी, दो प्रकार से होती है जिसके लिए आपको जो डायग्राम है वो कौन कौन से होंगे आपके, कन्वेक्स एंड कनकेव। कॉनकेव एंड कन्वेक्स जो पॉलीगॉन है उनके अंदर जो डायगोनल्स है वो किस प्रकार से यूज होगी वो नेक्स्ट डायग्राम बना के मैं बता रहा हूँ आपको। यह डायग्राम है ये आपका जो पेंटागॉन है इसके अंदर आपको क्या करना है, जो वर्टिक्स आपकी यहाँ पे जो वर्टिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 यानी क्या होती है इसमें 5 वर्टिक्स है, 1 वर्टिक्स 2 जो अनदर जो वर्टिक्स है वहां तक आपको क्या करना है, जो लाइंस होती है वो क्या होती है इसकी डायगोनल्स होती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ये तो होती है आपकी और इससे लेकर आप इस वाले तक भी आप टच कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वन जो वर्टिक्स है और जो दूसरा वर्टिक्स है वहां तक अगर कोई भी आप लाइन करते हो ना तो वो लाइन क्या आपकी डायगोनल्स होगी, यानी डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन इज मेड बाय जॉइंट ईच वर्टिक्स टू द अदर वर्टिक्स अदर देन द डायवर्जेंस वर्टिक्स सी द फिगर्स। यानी आप जो मैंने जिस प्रकार से इस फिगर के अंदर आपको जो डायगोनल्स खींच के बताइए वो आप समझ सकते हो इनको, ये सभी क्या है इसकी डायगोनल्स है। तो किसी भी डायग्राम के अंदर आप जो डायगोनल्स है वो बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो कन्वेक्स पॉलीगॉन है, तो कन्वेक्स जो पॉलीगॉन है वो कौन सा होता है, जो शेप होती है आपकी यानी ये जो शेप है इसके अंदर जो भी आपका जो डायगोनल्स होगी वो क्या होगी आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जैसे भी क्या आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है कॉन्वेक्स कैसे है आपके, इसके अंदर जो डायगोनल्स है वो क्या होगी आपके इंटीरियर रहेगी, यानी इसके अंदर जो डायगोनल्स है वो क्या आपकी इंटरनल है, यानी इसके अंदर आप जो डायगोनल्स है यहां से लेकर अगर यहां से करते हो तो जो सभी जो डायगोनल्स है वो सॉरी इसमें आपकी डायगोनल्स नहीं होने वाली, इसका होगा आपका डायगोनल्स के लिए आपकी कम से कम आपकी 4 साइड होनी जरूरी है, 3 साइड जो है उसके अंदर आपकी डायगोनल्स नहीं होगी। तो 4 साइड या मोर देन 4 साइड उसके अंदर आपको जो डायगोनल्स है वो देखने अंदर की तरफ जो आपके जो डायगोनल्स है वो कौन सी होगी आपकी इंटरनल डायगोनल्स होगी। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिसके आपकी जो एक्सटर्नल है वो डायगोनल्स उसके अंदर यूज होती है, जो कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन है उसके अंदर ओनली आपकी क्या होगी इंटरनल डायगोनल्स होगी, जिसके अंदर इंटरनल डायगोनल्स है वो आपका कौन सा पॉलीगॉन होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के डायग्राम होते हैं शेप होती है उसके अंदर क्या होता है आपकी जो डायगोनल्स है वो इंटरनल भी होती है और आपकी एक्सटर्नल भी होती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल अगर जिसकी डायगोनल्स है वो कौन सा होगा आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, और जिसके अंदर आपकी इंटरनल डायगोनल्स होती है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन जो डायगोनल्स अपने जो भी किए वो सभी आती है डायगोनल्स पॉलीगॉन के अंदर। वो जो शेप के बारे में मैंने आपके सबसे पहले समझाया था, तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, यानी आपका जो अंदर की तरफ जो डायगोनल्स यानी इंटरनल डायगोनल्स और एक्सटर्नल डायगोनल्स है वो किसके अंदर रहेगी आपकी कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर, और ओनली इंटरनल जो डायगोनल्स है वो किसके अंदर रहेगा आपका यानी कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। तो अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 6.1 के अंदर, बाकी के जो क्वेश्चन है आपके इनके जो आपके जो साइड्स काउंटिंग करनी होती है इनके एंगल्स काउंट करने होते हैं वो अपन
क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ ही अपन उनको अच्छे से समझेंगे। तो पॉलीगॉन है उसकी जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ड्रॉ द डायगोनल्स विथ हेल्प ऑफ ए पेंसिल इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड टेल, यानी कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं उनके आपको आंसर देने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जो डायगोनल्स है वो आपको बनानी है पेंसिल के साथ से। तो डायगोनल्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, यानी जो वन वर्टिक्स है तो अनदर वर्टिक्स है उनको क्या करना है, टच करना है, यानी इनको मिलाना है। तो ये क्या हो गई आपकी डायगोनल्स हो गई। तो सभी वर्टिक्स हैं उनको आपको इस प्रकार से मैच करना है, ये सभी क्या है इसकी डायगोनल्स हो जाएगी। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर है, इन विच शेप डायगोनल्स विल बी इनसाइड, यानी कौन सी जो शेप है उसके अंदर जो डायगोनल्स है वो आपकी इनसाइड है, यानी अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ कौन कौन सी डायग्राम की है आपकी, यानी आपको बाहर का जो आउटसाइड है वो कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड के हमने डायग्राम जो उसके अंदर हमने आउटसाइड किए, जो डायग्राम था या जो शेप थी उसके अंदर डायगोनल से वो है आउटसाइड है, बाकी सभी जो जो शेप दे रखी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जो सिक्स है उसके अंदर सभी चीज क्या है आपकी इनसाइड है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, यानी जो थर्ड है फोर फाइव एंड सिक्स इनकी जो शेप है जो डायगोनल्स है वो क्या है आपकी इनसाइड है। इन विच शेप डायगोनल्स विल बी आउटसाइड, आउटसाइड कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट और सेकंड की दे रखी है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, आपको जो आइडेंटिफाई करना है जो पॉलीगॉन से उनका कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम आपका कॉन्वेक्स है और कौन सा आपका कॉनकेव है। तो डायग्राम जो फर्स्ट है और जो सेकेंड है ये दोनों क्या आपके कॉनकेव है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और जो कॉन्वेक्स होते हैं उनके अंदर आपका होगा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स, ये सभी क्या आपके कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, ओनली आपके जो डायगोनल्स है वो क्या होती है, इंटीरियर और इंटरनल होती है, यानी इनसाइड होती है। और कॉनकेव के अंदर क्या होता है, कॉनकेव जो पॉलीगोन है उसके अंदर आपकी जो डायगोनल्स है वो इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी एक्सटर्नल डायगोनल्स एंड इंटरनल डायगोनल्स दोनों होती है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इन द गिवन पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, यानी जो डायग्राम दिया गया उसके अंदर ए बी सी डी का जो डायग्राम उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया, राइट द नेम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और राइट द नेम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी आपको जो अंदर वाले एंगल्स है उनके नेम राइट करने और जो बाहर की तरफ जो नेम जो आपको जो नेम दे रखे उनको आप जो एंगल है उनके नेम आपको राइट करने, इंटरनल यानी अंदर वाले और एक्सटीरियर यानी बाहर वाले। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर होगा फर्स्ट का, अंदर कौन सा एंगल है आपका, एंगल जैसे ए है बी है सी डी और क्या है ई है, तो आपके एंगल कौन से है अंदर वाले, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर होगा यानी एक्सटीरियर एंगल कौन से आपके, तो पी क्यू आर एस टी, यानी बाहर की तरफ है डायग्राम के अंदर वो कौन से आपके एक्सटीरियर, अंदर की तरफ है वो आपको जैसे ए बी सी डी ए सब क्या है अंदर की तरफ है, लेकिन जो एंगल है पी क्यू आर और एस और जो टी है वो कौन सा आपका बाहर की तरफ दे रखा है, यानी एक्सटीरियर एंगल है। तो पी क्यू आर एंगल एस एंगल टी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको डिफाइन द रेगुलर पॉलीगॉन, आइडेंटिफाई द रेगुलर पॉलीगॉन इन विच देयर आर, आपको जो नीचे थ्री क्वेश्चन दिए गए फाइव साइड सिक्स साइड और एट साइड, आपको इनके नेम बताने हैं कि कौन से आपके ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो कौन से है और आइडेंटिफाई करना है कि ये रेगुलर कौन क्यों है। तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताना है क्लोज्ड फिगर विथ थ्री और मोर सिमिलर साइड, यानी जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा आपका,
थ्री साइड से यानी फाइव साइड देर की, सिक्स साइड देर की, एट साइड देर की, और जो रेगुलर पॉलीगोन होता है या सॉरी आपका जो पॉलीगोन होता है वो आपका थ्री और मोर देन थ्री साइड से मिलकर आपका बना हुआ रहता है। तो क्लोज फिगर विथ थ्री और मोर सिमिलर साइड, इसका जो आंसर होगा उसमें आपको बताना है क्लोज फिगर विथ थ्री और मोर सिमिलर साइड, यानी थ्री और थ्री से जो ज्यादा है वो क्या है सिमिलर साइड से मिलकर ये बना हुआ रहता है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका फाइव साइड, जो फाइव साइड से मिलकर बना है उसका क्या नाम है आपका, सबसे पहले मैंने आपको इनके बारे में बताया था, जो शेप से उसके अंदर मैंने आपको बताया था जिसमें यानी ए शेप ऑफ मेड, यानी ए शेप मेड ऑफ फाइव साइड इज कॉल्ड पेंटागॉन। तो फर्स्ट का जो है वो क्या होगा आपका पेंटागॉन। सेकेंड जो है उसमें आपको दे रखी है सिक्स साइड, इसके अंदर आपको क्या करना है ए शेप इज, ए शेप ऑफ मेड इज सिक्स साइड, यानी ए शेप मेड ऑफ सिक्स साइड इज कॉल्ड हेक्सागोन। एंड थर्ड है आपका एट साइड, ए शेप ऑफ मेड या ए शेप ऑफ मेड एट साइड इज कॉल्ड ऑक्टागोन। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, और थर्ड में आपके जो फाइव साइड उसको बोला जाता है पेंटागॉन, सिक्स साइड को आपको हेक्सागॉन, एट साइड वाले को बोला जाता है ऑक्टागॉन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, और उसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ।